हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीईटी के बारे में, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका भिलाई और रायपुर है। भिलाई कैंपस के रिव्यू करेंगे, इसमें एडमिशन किस तरह से ले सकते हो, साथ में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास फीस का भी पैसा नहीं है, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इजिली लोन ले सकते हो। और ये जो कॉलेज है ये नैक ए में है और ए प्लस ग्रेड का कॉलेज है, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन काफी इजी है, सिंपल से स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले पाओगे। जैसा कि देख सकते हो एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इस पे क्लिक करके आप इजीली फॉर्म फिल कर पाओगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। आपके ट्वेल्थ में अच्छे नंबर होंगे, 50 या 60% होंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कुछ बच्चों के पास ऑप्शन जरूर से होना चाहिए कि कितना, हम अगर मान लो जेई मेन आप दे रहे हो, अच्छा स्कोर आ गया तब तो कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर नहीं आया तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ स्टेट में बेस्ट कॉलेज है, भिलाई के अंदर ये कॉलेज है और आरसीईटी R1 के नाम से ये फेमस है। संतोष रुंगटा जिनको मैनेज करते हैं। अगर फीस की बात की जाए, ऑफिशियल फॉर्म कॉस्ट, तो आपको 0 रुपीज देना है। फीस तो कुछ देना ही नहीं है, सिंपली आप फॉर्म फिल कर लो, कम से कम आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सको अगर एडमिशन आपका नहीं हो पाता है। और देखो ये एक बेस्ट कॉलेज है, आपका कम फीस लगेगा, कम हॉस्टल फीस लगेगा और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा अगर आप बिहार के रहने वाले हो। अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी अलग अलग लोन फैसिलिटीज है, तो वो आप चेक कर सकते हो। साथ में हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हो, ये नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद बात करें कॉलेज के बारे में तो समझते हैं। देखो जो लिंक दिया गया है ना, उसको क्लिक करोगे तो ये पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर लॉग इन कर सकते हो एडमिशन 2023 के लिए। उसके बाद बात की जाए प्लेसमेंट की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना प्लेसमेंट है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट देख सकते हो, डे वन में 359 हुआ है बच्चों का। हाईएस्ट पैकेज 48 लाख पर एनम है, साथ में कोलैबोरेशन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन के द्वारा, मतलब ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, रिपब्लिक ऑफ सूडान, फ्रांस से जो वहां के कैंडिडेट्स हैं बीटेक, फिर आपका बीबीए बीसीए कोर्सेस करने के लिए आते हैं। साथ में जो मेजर रिक्रूटर्स है यहाँ देख सकते हो आप, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, फिर आपका महिंद्रा, एसेंचर, रिलायंस और नेस्ले, ये कुछ कंपनीज है जो यहाँ पे विजिट करती हैं। 300+ बच्चों को ऑफर मिला है, 300+ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए। साथ में एक प्लेसमेंट सेल भी बनाया गया बच्चों के लिए, ताकि उनको प्रिपरेशन दिया जाए वहां पे किस तरह से प्लेसमेंट में क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है रैंकिंग कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया टुडे के द्वारा 21st रैंक है, आउटलुक के द्वारा 24 है, द वीक के द्वारा 24 है। देखो कुछ बच्चे का ये मन होता है कि हमको सिर्फ बीटेक का डिग्री लेना है और हमको प्लेसमेंट तो चाहिए चाहिए, साथ में कुछ बच्चों का ये होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस, कुछ एडटेक या फिर जो भी कंपनीज खोलना चाहते हैं, उनके लिए आपको बेस्ट डिग्री यहां से मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको डिग्री चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो ये कॉलेज बेस्ट रहेगा, साथ में फूड भी अच्छा है। मैं खुद इस कॉलेज में जाके विजिट कर चुका हूं, तो आप डेफिनेटली इस पे विश्वास कर सकते हो। NIRF की रैंकिंग में यहां देख सकते हो 76 से 100 के बीच में बैंड है, ARIIA के द्वारा टॉप 50 है, 24th वीक है, मतलब 24th रैंक है द वीक के द्वारा, साथ में रैंक गोल्ड AICTE CII के द्वारा दिया गया। तो आप इस कॉलेज को एक बार जरूर से कंसीडर करना। अगर फीस की बात की जाए तो यहां देख सकते हो बीटेक का जो फीस है पर सेमेस्टर, दो कैंपस है, एक भिलाई का कैंपस, एक रायपुर का कैंपस। आपको जो भी कैंपस में एडमिशन चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर तो पहले फॉर्म फिल कर लो, साथ में नंबर पे पूछ सकते हो। 37,550 फीस है, उसके अलावा 500 रुपये आपको और देना होगा, तो एक सेमेस्टर का आपको 38,050 रुपीज फीस है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीजें जो वन टाइम होती है, उसके लिए आपको 2,000-3,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा और ड्रेस के लिए एक्स्ट्रा देना होगा, तो वो तो हो गया। मिनिमम मान लो आपको 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर मिलने वाला है, ऐसा फीस आपको किसी कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, जैसे कि डिप्लोमा का कोर्स देख सकते हो, एमटेक कोर्स देख सकते हो, साथ में फीस देख सकते हो 20,775 और एमटेक के लिए सेमेस्टर वन में 34,875। तो ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अप्रूवल देख सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट AICTE से अप्रूवल है। उसके बाद मैं आपको बता दूं NAC से अप्रूव है, NBA से अप्रूव है, NIRF से एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, काफी अच्छी रैंकिंग है। अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो भी इसको वेरीफाई कर चुकी हैं, तो इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर इनके कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे RCT R1 भिलाई रायपुर है, फिर आपका रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च,
फिर आपका रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, देन जीडी रूंगटा कॉलेज, केडी रूंगटा कॉलेज। तो ये इनके अलग अलग स्कूल्स हैं जो इनके अंदर में आते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। 23 ईयर्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एस्टैब्लिशमेंट भी 23 साल पहले हुआ था। उसके अलावा 18,000 प्लस कैंपस के अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन हो चुके हैं। साथ में आप कोलैबोरेशन है, इनोवेशन है, हाईएस्ट पैकेज देख सकते हो 48 लाख पर एनम। तो काफी अच्छा इनको अपॉर्चुनिटीज दिया गया है कॉलेज को। साथ में मैं ये भी कह दूं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौल है, बच्चे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। कैंपस काफी इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी है देखने को मिल जाएगा, हॉस्टल्स हैं बॉयज एंड गर्ल्स के, जिम है, फूड कोर्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा इस कॉलेज में जो एक बेसिक कॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद बात करें इनके लोन के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बिहार के कैंडिडेट हो अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इजिली आपको लोन मिल सकता है। साथ में बिहार सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो भी बच्चा यहाँ से लोन लेगा, लोन लेके आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, 4 साल तक आपको कोई भी इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। 4 साल के बाद जो अगला 1 साल है उसके बाद अगर आपको नौकरी होता है तो आपको 82 इंस्टॉलमेंट में आपको जो किस्त है वो भरना है। बॉयज के लिए 4% इंटरेस्ट लगेगा 4 साल के बाद, यानी कि जो अगला साल जब आपका एड कहीं भी प्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप इजिली भर सकते हो 82 इंस्टॉलमेंट में। बॉयज के लिए 4% और गर्ल्स के लिए 1%। और मान लो किसी कारण बस कोई अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर कोई अलग सेक्टर में जॉब करता है तो बिहार सरकार ये भी आश्वासन दी है कि वो इस जो फीस है उसको भी छोड़ देगी। मैं ये क्लिप ऐड कर रहा हूं, आप एक बार देख लो इसको। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर, इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, इधर हाथ उठा के बताइए। इसमें बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो आपके लोन अमाउंट है उसको माफ भी कर दिया जाएगा और आप अगर सक्षम होगे तो आप इजिली पे भी कर सकते हो 82 इंस्टॉलमेंट में। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है और बिहार सरकार आपको गारंटर के तौर पे यूज करती है। कैसे अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, सिंपली न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, सारे फॉर्म फिल करना है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में DRCC ऑफिस होगा वहां पे जाके ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हो। अगर कॉलेज की बात करें कि कॉलेज का लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो यहाँ देख सकते हो RCET रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम है भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसके अलग अलग कोर्सेज BTEC CSE, यानी कि ये जो मैं चीज बता रहा हूँ 4 लाख रुपए आपको मिलेगा जिसमें से आप इतना फीस अमाउंट पे कर सकते हो, कोई पैसे बच भी जाएंगे जो कि आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं लोगे। ये बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन मिलने वाला है। तो इजी सा प्रोसेस है, आप अपना सकते हो कॉलेज, एक बार जरूर से चेक करना, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी अगर बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। ये पूरा डिटेल था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।